भवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनाय समझकर कितनी गोपियों को चलाया। ऐसे चलाने से याद आती है, अक्सर लड़कों लोग पे इल्जाम लगता है कि नजरें बहुत लगाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, पर मैं बताता हूं एक्चुअली में होता क्या है, नजरें कम लगाते हैं, नजरें लगाकर बर्बाद ज्यादा हो जाते हैं। अब नजरें लगाकर बर्बाद कैसे हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये तेरी हसीन मूरत, ये लड़के हूटिंग जरूर करिएगा, अभी अनजाने हैं, पता चला बाद में दीवाने बन जाए तो हूटिंग रहनी चाहिए आपकी। ये तेरी हसीन मूरत दीपी में लगे खूबसूरत, देख देख कर मैं सोचूं तुझे मेरी जरूरत, देखना तो ठीक था, देखना तो ठीक था, मिलके बुरा हाल हो गया, नजरें तुझे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया, मिलाकर मैं बर्बाद हो गया। आगे सुनिएगा और कैसे कैसे हम लोग बर्बाद होते रहते हैं। हर फिल्म तुम्हें दिखाना, हर फिल्म तुम्हें दिखाना, शॉपिंग भी करवाना, जब जब फिर उठे तुम तो डेरी मिल्क से मनाना, ये नखरे देख देख कर, ये नखरे देख देख कर मैं आऊं और खर्चा नाबाद हो गया, नजरे तुमसे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया, नजरे तुमसे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया। और अक्सर कहते हैं कि हम लोग पीछे उनके जाते हैं, पर इशारे भी आते हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो जो करती थी तुम इशारा, जो करती थी तुम इशारा, लगता था बड़ा प्यारा, जुल्फे तेरी आंखों में, जुल्फे तेरी आंखों में क्या खूब था नजारा, जुल्फों में जो फंसा मैं, जुल्फों में जो फंसा मैं, अंधेरा पूरा संसार हो गया, नजरे तुमसे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया, नजरे तुमसे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया। मरता था मैं तुझ पे, लड़के ध्यान दीजिएगा, आप ही लोग के लिए, सेमेस्टर में नहीं आएगी तो भी,
मरता था मैं तुझ पे तूने मार ही डाला, मरता था मैं तुझ पे तूने मार ही डाला, ऐसा सितम किया कि लगा कैरियर पे मेरे ताला। तू तो वो दवा है, तू तो वो दवा है जिसे खाकर मैं और बीमार पड़ गया, नजरे तुमसे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया, नजरे तुमसे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया। आगे ऐसी रहती है कि इन लोग जैसे ही शाम में ऐसे माहौल आते हैं, जैसे जैसे माहौल बनता है तो गुपचुप खाना इनको पसंद है, गुपचुप पिज्जा डोमिनोज। उसके लिए तेरी तिखी जवानी, ओए तेरी तिखी जवानी, गुपचुप पिज्जा की तू दीवानी, आदत तेरी ऐसी जैसे खट्टा मीठा पानी। गुपचुप खिला खिला कर, गुपचुप खिला खिला कर मैं तो कंगाल हो गया, नजरे तुमसे मिलाकर मैं बर्बाद हो गया। और जब आती है रियल में बर्बाद क्यों हो जाते हैं लड़के, ये मैं आपको बताता हूं। ये सुंदर चमकते चेहरे से, ये सुंदर चमकते चेहरे से, मैं देख रहा हूं यहां बहुत लोग लिपस्टिक काजल क्रीम लगा के आए हुए हैं। ये सुंदर चमकते चेहरे से, ये सुंदर चमकते चेहरे से करती हो तुम सवाल, देख कर देख कर मैं सोचू ये है मेकअप का कमाल। ये सुंदर चमकते चेहरे से करती हो तुम सवाल, अगर मैं सच कहूं तू ये मेकअप का है कमाल। देखकर लिपस्टिक काजल और क्रीम, देखकर लिपस्टिक काजल और क्रीम, यमदूत भी डर गया तुझसे नजर मिलाकर मैं बर्बाद हो गया। आगे मैं, मेरे पास समय कम है, थोड़ा सा लेट हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपने मेरी चार साल की कहानी पसंद की, तब मैं स्टूडेंट था, जब स्टूडेंट नहीं रहा तब चार साल बाद क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। चार साल पढ़ कर मैं तो सटक गया, चार साल पढ़ कर मैं तो सटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया। क्लास में न जाने क्यों, क्लास में न जाने क्यों मैं खोया था, कभी तो जागा था तो कभी मैं सोया था। हर सेम में सब्जेक्ट लैब के, हर सेम में सब्जेक्ट लैब के उनको मैं भूल गया, दो क्लासेस और मूवी टाइम के बीच में मैं झूल गया। मैकेनिकल वाले लड़के ध्यान देंगे आपके लिए स्पेशली, न क्लास में कोई नजारा था, दिल कहता हमारा था, दिल कहता हमारा था, न क्लास में कोई नजारा था, हर वक्त लंच में जाने को ये फिरता आवारा था। ये घूमना फिरना तो, ये घूमना फिरना तो सबको खटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया। लड़कियां जरा इस बात पे ध्यान देंगी कि एग्जाम कितनी भी सुंदर गाड़ी हो बिना पहिए नहीं चलते, जितनी भी सुंदर गाड़ी हो बिना पहिए नहीं चलते, एग्जाम में लिखना जरूरी है, संजय संवरने से पेपर नहीं निकलते। उसके लिए बोलना चाहूंगा एग्जाम में मेरे बैच की लड़कियां, एग्जाम में मेरे बैच की लड़कियां क्या सज के आती थी, देख देख कर स्माइल मेरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। एग्जाम में मेरे बैच की लड़कियां क्या सज के आती थी, देख देख कर स्माइल मेरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। इन सब के चक्कर में मेरा पेपर चटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया। कुछ लीक हुए पेपर को मैं ना देख पाया, और एग्जाम देने बैठा तब मैं ना फेंक पाया। कुछ लीक हुए पेपर को मैं ना देख पाया, एग्जाम देने बैठा तब मैं ना फेंक पाया, इस दुख भरी कहानी को मैं तो गटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया। एक लड़कों के लिए, जब बाइक में आते हैं और वो जो कैंटीन में जाते हैं दूसरे को पैसा खाना खाने, भूख भी लगती थी मुझको और कैंटीन में भी रहता खाना, जेब था ये ठनठन गोपाल, पड़ता था किसी को पटाना। भूख भी लगती थी मुझको और कैंटीन में भी रहता खाना, जेब था ये ठनठन गोपाल, पड़ता था किसी को पटाना। बाइक में जब मैं आता देते एक स्माइल, बाइक में जब मैं आता देते एक स्माइल, लड़कियां देख के खुश होती, देख ये स्टाइल, इस स्माइल स्टाइल के चक्कर में मैं तो सटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया। और जब जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुई तब मुझे एहसास हुआ कि पूरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, लड़कियां जरा ध्यान देंगी अभी भी सिंगल हूं, पूरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, हंसते हो यार, पूरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, न बनी मेरी कोई फंटी, देख देख कर बगल से जब कोई निकले तब बजती दिल में घंटी। पूरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, न बनी मेरी कोई फंटी, बगल से जब कोई निकले तब बजती दिल में घंटी।
फंडी घंटी के चक्कर में मैं तो मटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया। वो लड़कों के लिए जो सामने में सनग्लासेस पहन के बैठा हुआ है, आंखों में पहन के सनग्लासेस, बनता था मैं हीरो, कोई चाहे कुछ कह दे पर था मैं मोर देन जीरो। ये देखो मेरे को सनग्लासेस पहना रहे हैं, तो आंखों में पहन के सनग्लासेस, बनता था मैं हीरो, कोई चाहे कुछ कह दे पर था मैं मोर देन जीरो। लड़कियां, हर ब्रांच में अपना पैचअप था, क्यों लड़को? हर ब्रांच में अपना पैचअप था, रखते थे जानकारी, है बहुत सी मोहतरमा जिनके हैं प्रेम पुजारी। ये स्टाइल के चक्कर में मैं तो यही अटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर था और नीचे मैं लटक गया। आखिरी में चीज बोलना चाहूंगा, बड़े खत्म कर रहे तो अच्छे से खत्म करते हैं, मजाक से नहीं, और सब लोग के लिए कि रंग बिरंगे जूतों, कोई भूरा कोई लाल कोई पीला, कोई तो मुझे में ही आ जाता है पता नहीं क्यों, तो रंग बिरंगे जूते और नैरो जींस का था फैशन, एक दूसरे से अलग थे सब, अलग था सबका पैशन। रंग बिरंगे जूतों और नैरो जींस का था फैशन, एक दूसरे से अलग थे सब, अलग था सबका पैशन। कोई तो था सोनू निगम तो कोई था माइकल जैक्सन, ये सब करते करते निकल गया मेरे इन कुछ पलों का सेशन, इन कुछ पलों के सेशन में मेरा दिल यही अटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया, 46 सब्जेक्ट ऊपर थे और नीचे मैं लटक गया। थैंक यू। I'm not afraid to die.
हाँ तुम्हें पता है क्या हमारा कॉलेज 1995 में स्टैब्लिश हुआ था और तब से लेकर आज तक हम स्टूडेंट इस कॉलेज की जान है। कोई हम तो जान ही है, कोई शक है तो बोल आईटी। अरे हाँ शुभम, हम कुछ भूल रहे हैं। हम कुछ नहीं किसी को भूल रहे हैं। साजा कहाँ है? शुभम, अनुराग, तुम लोग मुझे भूल रहे हो। अरे सॉरी 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 साजा, सॉरी सॉरी। बस तेरी सॉरी से मुझे पेट नहीं भरना। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करें। ऐसे कैसे कर लिया तुम लोगों ने? गाना गा लिया, इतनी बातें कर ली, अब मैं भी कुछ बोलूं? अर्ज किया है इशाद, इशाद। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो पूरी जिंदगी बीत जाती है। वाह वाह वाह, क्या शायरी थी। मगर ये शायरी का माहौल नहीं, डांस का माहौल है, तो एक डांस पेश करूं? ढिंग चिका ढिंग। बस 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 बस, बंद कर अपना डांस, तेरे से बेहतर डांसर्स हैं हमारे पास। और अब हम बुलाना चाहेंगे, प्लीज वेलकम श्वेता एंड ग्रुप टू रिप्रेजेंट द डांस। Yeah.
तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। Take a
मधुबन में भले कान्हा किसी को भी सुने तो राधा जी मुझे है भूल चले इसलिए राधा चले इसलिए राधा चले समझे समझे इसलिए राधा चले इसलिए चलते हैं। प्लीज वेलकम अंशुमन सर। दोस्तों
इस कार्यक्रम को गति देते हुए मैं ऐसे सीनियर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ऐसे सीनियर को बुलाने जा रहा हूँ जिसको आज हमें देखना है, जानना है, समझना है। तो ऐसे सीनियर है हमारे परम आदरणीय अंशुमन सर जी, प्लीज प्लीज कमांडर स्टेज सर जी।
तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझे छुपाया
थैंक यू।